गाइस, यहाँ हम लोगों का लिट्टी बन रहा है एंड हम लोगों को लिट्टी खाने का आज मन कर दिया गाइस, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ था एंड अभी तो थोड़ा बहुत कम भी हो गया, तो बारिश में लिट्टी ना खाए ऐसा हो सकता है। एंड हम लोग बिहारी भी हैं, बिहार से हैं गाइस, तो सो लिट्टी तो बनना ज़रूरी है। सो यहाँ पे मेरे हबी बना रहे हैं। क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? वेरी वेरी हार्ड वर्क, मतलब वही बना रहे, इसी कारण वो बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सब कुछ आप देख रहे हो वहाँ पे चोखा के लिए बना के रखे हुए हैं एंड यहाँ पे ये एंड यहाँ पे कुकर। आपको पता है कुकर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसमें ना घी है, इसी में लिट्टी वो डाल के फिर इसको बंद कर देंगे इसी कारण। एंड ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लिट्टी बनाते हैं। सो अभी रात का टाइम है एंड दिखाऊंगी टाइम कितना, रात कितना, मतलब कितना टाइम हो गया है। सो गाइस आप ये देखो, रात का टाइम है एंड आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मेरा घर रोड पे है एंड बैकग्राउंड से अगर आप लोगों को आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, तो आप लोगों को तो मैनेज करनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आता है, आई नो। एंड आप लोग तो देख ही रहे होंगे, आप लोगों को तो मैं लाइव दिखा दी कितना सारा बस वगैरह सब आ रहा है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है एंड यहाँ पर ना हम लोगों का यहाँ ना बारिश हो रहा था गाइस, अभी तो थोड़ा कम भी हो गया है, इसी कारण हम लोग बाहर ही बैठ के बना रहे थे, घर में नहीं बना रहे थे। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में बताना एंड बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो चलो मैं आप लोगों को पहले टाइम दिखा दूँ कि कितना टाइम हो रहा है। ये देखो 9:30 बज रहा है रात का एंड हम लोग बाहर पे लिट्टी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है गाइस एंड आप देख रहे हो वहाँ पे फैन भी लगा हुआ है। सो ये हम लोग का प्लांट, आप सोच रहे होगे ना कितना सा, मतलब लाइट कैसे, हम लोग फ्लैश कैमरा से बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, वरना रात है गाइस। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बन जाता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कल रात से जो बारिश हो रहा है ना, अभी तक बारिश ही हो रहा है, आप देखो एंड आप देख रहे हो। एंड मैं आप लोगों को ना अपना जीप दिखाऊंगी, वैसे अभी नहीं, थोड़ी बारिश कम हो जाए उसके बाद। सो गाइस आप देखो, कल रात से आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रही होगी ना बहुत ज़्यादा। सो आप देखो गाइस, ये सुबह का टाइम है एंड कितना बारिश हो रहा है रात से ही। ये मेरा आप लोग प्लांट देखो गाइस, आपको पता है कल रात में मैंने ना, जब मेरे अब यहाँ पे लिट्टी बना रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे ना पेंट कर रही थी, आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है ना, ये सब मैंने पेंट खुद से किया है गाइस कल रात में, देखो आप लोग। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड आप ये देखो, मेरी बेबी के लिए वॉकर आया हुआ है एंड ये बहुत ज़्यादा डर रही है इस पर। एंड पता है आप लोगों को, मैंने नीचे रखा ना, बहुत ज़्यादा डर रही थी इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बेड पे रख देती हूँ तब नहीं डरेगी, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर रही है। वैसे वो अभी 7th month की है ना, इसी कारण अभी बैठेगी नहीं, बट फिर भी मैंने इसे बैठा दिया। देखो ना कितना ज़्यादा डर रही है। सिजुका, पता है मैं आप लोगों को इसे सिजुका बोलती हूँ प्यार से, ऐसे मैंने इसका न्यू नेम रखा है सिजुका। वैसे नाम इसका अनिका है, कमेंट में बताना आप लोग इसका नाम कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को इसका नाम अनिका है। सिजुका क्या हुआ सिजुका मेरी, डर रही है बेटा। चलो फ्रेंड मैं आप लोग से थोड़ी देर मिलती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस कल रात में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड आप लोगों ने देखा ना, कल रात में हम लोगों ने लिट्टी बनाया था। सो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड अभी भी हो रहा है, बट सुबह में हो रहा था बट अभी थोड़ा कम है। सो अभी दोपहर का 1 बज रहा है एंड मैं अभी फ्री हुई हूँ। सो गाइस आप लोग सोच रहे हैं मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ, तो गाइस अभी मैं जा रही थी इंस्टा का रील बनाने के लिए, सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इंस्टा का जा रही हूँ आज रील बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मैं मतलब अपने मायके से जब आई थी तो मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सो आज आ रही हूँ एंड जो लोग मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, आप लोग तुरंत जाओ एंड फॉलो कर लो। एंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो इंस्टा में आपको वीडियोस भी मिलेगी देखने को। तो अभी जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। सो चलो इंडिया गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरी बेबी कहाँ है एंड मेरे हबी अभी बाहर गए हुए हैं थोड़ी देर पहले। सो आप सोच रहे होंगे कि मेरी बेबी कहाँ है, अपनी बेबी को छोड़ के मैं इंस्टा का रील बना रही हूँ, तो नहीं, मैं अपने बाबू को सुला चुकी हूँ गाइस। आप ये देखो, मेरे बाबू जो है वो सो गई है, तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैं जा रही हूँ इंस्टा का रील बनाने के लिए।
दिन में आप लोग से बातें करती हूँ। मेरा पूरा फुल लुक देख लो कि मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। तो गाइस चलो मैंने इंस्टा का रील बना लिया एंड चलो मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। जा रही हूँ थोड़े खाना खाने, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है इसलिए। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो गाइस थोड़ा काम वाम कर लिया है एंड अभी शाम पे 5:30 बज रहा है गाइस एंड मैं अभी अपने किचन में हूँ। जैसा कि आप लोग देख के जान ही गए होंगे कि मैं अपने किचन में हूँ एंड पता है आप लोगों को मैं उस टाइम ना वीडियो बना के खाना खा के थोड़ी रेस्ट करने लगी थी। फिर मेरे हबी आ गए एंड वो चाउमीन लेके आए थे तो हम लोग खाने लगे, फिर थोड़ी बातें करने लगे, इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन अभी मुझे टाइम मिला आप लोगों से बातें करने का। आप लोगों को पता है अभी बारिश हो रहा है, पता नहीं दिखिए कि नहीं बारिश आप लोगों को, बट ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी बारिश हो रहा है। एंड पता है रात से जो बारिश हो रहा है ना, मतलब रुक रुक अभी तक बारिश हो रहा है। सो ये देखो आप लोगों को ये पता है ये जो पेंट है ना मैंने किया है, कैसा लग रहा है गाइस? पता है मेरे पास पेंट था तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब किचन को पेंट कर देती हूँ थोड़ा सा। मतलब लेडीज़ लोग यही सोचती होंगी कि उनकी किचन उनकी घर कैसे चमक जाए, कैसे खूबसूरत दिखे। सो गाइस मुझे भी ऐसा लगा कि चलो कुछ किया जाए एक्सपेरिमेंट, तो मैंने अपने किचन को ही पेंट कर दिया। कैसा लग रहा है आप लोग बताना मुझे कमेंट में, देख रहे हो बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? एंड पता है मैंने कब किया इसे पेंट? रात में मैंने पेंट किया है जब मेरी बाबू सो गई थी ना तब 10 बजे, ताकि वो ना रात में, मतलब रात में पेंट करने से क्या होता है कि रात में उसको कोई टच नहीं करेगा एंड सूख जाएगा। सो अच्छा लग रहा है ना? सो गाइस यहाँ देखो मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। सो जा रही हूँ काम कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि शाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए। चलो मैंने साफ कर लिया मेरा किचन, आप देखो। एंड यहाँ बर्तन नहीं है गाइस, मैंने सारा सब कुछ साफ सफाई कर लिया है किचन को। एंड पता है ना आप लोगों को कि मतलब काम करते हुए वीडियो बनाना एंड फिर बाबू को भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस मैं मतलब एक गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नहीं होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड एक सब्सक्राइब भी तो है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों को? सो सब्सक्राइब को जरूर करके जाना एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। मैं आ गई हूँ अपने घर के नीचे अपना मेन दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना आप देख लो ये ऑफिस है इसलिए बहुत यहाँ भीड़ रहता है। सो पहले मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। सो गाइस मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है एंड ये देखो ये मेरा बुलेट, मुझे बुलेट बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है बुलेट? पता है मुझे ना मैं रणबीर वो कबीर सिंह वाला जब मूवी देखी थी ना तो तब से मुझे बुलेट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वैसे मुझे बुलेट इतना पसंद नहीं था इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आवाज़ देती है इसलिए। सो गाइस चलो मैं आपको अपना जीप दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइस बाबू आके जीप साइड में कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया था एंड जीप बहुत ज़्यादा भींग रहा था। सो बोले कि मैं साइड में कर देता हूँ इसी कारण, तो वो आ गए थे वो साइड में करने लगे थे ताकि वो एक छज्जा टाइप का है उसके अंदर ही रहे बारिश ना हो। एंड इसका कवर भी नहीं लगा था, फिर कवर भी उन्होंने लगा दिया। एंड मैं यहाँ पे ना फ़ोटो खींच रही थी तो मैंने बोला ना प्लीज़ मेरा फ़ोटो यहीं आप खींच दो ना, तो मेरे को नहीं मालूम था कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे पोस्ट देने लगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है ले लो, बट फिर मैंने बाद में देखा ना तो सही में वो वीडियो ही बना रहे थे मेरी। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है एंड चलो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज का